हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जगांचर सिंह। वेलकम मै स्टडी बायाधर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम पीसीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टीजीटी की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, उसमें 20 वीडियोस मैंने अपलोड किया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। पीसीटी की प्रैक्टिस करवाने के बाद फिर मैं टीजीटी की प्रैक्टिस करवाऊंगी, राइट फ्रेंड्स। तो आज पीजीटी की प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चन हैं अलग अलग बुक के अलग अलग क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, राइट। आज हम चार्ल्स लैम्ब को भी पढ़ेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे, शेक्सपियर को पढ़ेंगे, अल्फ्रेड टेनिसन को पढ़ेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो जो फेमस बुक्स हैं उसमें से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और आज मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए 56 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रेफर्स लैम्ब एज लैम्ब द फ्रोलिक एंड जेंटल हैज बैनिश्ड फ्रॉम हिज लोनली हर्थ, राइट। ये आपको बताना है कि हु रेफर्स लैम्ब एज, ठीक है, लैम्ब को रेफर कौन किया है, लैम्ब द फ्रोलिक, ठीक है, एंड जेंटल हैज बैनिश्ड फ्रॉम हिज लोनली हर्थ। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इसका राइट आंसर है ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड फ्रेंड्स, मैंने इसको नीचे भी लिखा है, आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये एक स्ट्रीम फॉर इफ्यूजन अपॉन द डेट ऑफ जेम्स हुक, ए पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1835, राइट फ्रेंड्स। एक स्ट्रीम फॉर इफ्यूजन, ठीक है, जो कि जेम्स हुक के डेट पर लिखा गया है, और किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने 1835 में इसको लिखा है, राइट। 57 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज ओ, राइट। चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड शुरू किए थे हिज अपनी लिटरेरी कैरियर को एज अ, किससे किए थे, पोएट से, क्रिटिक से, एसेइस्ट से, ड्रामेटिस्ट से, राइट। तो राइट आंसर आपको इसको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अ पोएट से, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज अ पोएट, राइट फ्रेंड्स। राइट आंसर ए है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन 58। लैम्ब वॉज इन लव विद एन एक्ट्रेस, ही प्रपोज्ड हर बट ही डेनियल टू हु वॉज सी, राइट। ये आपको बताना है कि लैम्ब जो है कि वो लव करते थे, ठीक है, विद एन एक्ट्रेस के साथ वो क्या करते थे, लव करते थे ही, वो उन्होंने उसको प्रपोज भी किया बट लेकिन उसने मना कर दिया। तो हु वॉज सी, वह कौन थी, इन फोर ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट करना है। तो ऑप्शन ये है, फैनी केली थी, कि फैनी ब्राउन थी, कि मोंटगोमरी थी, कि फैनी किड्स थी, ठीक है, जिसको लैम्ब साहब ने लव करते थे, वो एक एक्ट्रेस थी और उसको प्रपोज करते हैं लेकिन वो मना कर देती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए है, फैनी केली थी, ठीक है, फैनी केली थी जो कि मना कर देती हैं। 59 देखिए। लैम्ब्स फ्रूज वर्क अ टेल ऑफ रोजमंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट और, ठीक है, ये क्या है। चार्ल्स लैम्ब का जो प्रूज वर्क है, एक ए टेल ऑफ रोजमंड ग्रे है एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट आर है, ये क्या है। 59 नॉवेल्स है, एसे है, पोएम्स है, क्रिटिकल वर्क्स है, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा ए है, नॉवेल्स है, ठीक है, ये क्या है, नोवेल्स। चलिए शेक्सपियर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पीजीटी के राइटर को हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और मैं 125 क्वेश्चन को फ्रेंड्स तो मैं एक ही दिन में नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी, ठीक है, उसका कम होता है टाइम, ठीक है। तो लेकिन आपके के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए मैं कोशिश करूंगी कि कल इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइंड, ठीक है,
शेक्सपियर 1587 में लंदन पहुंचते हैं और शेक्सपियर ज्वाइंट करते हैं, किसको ज्वाइंट करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए बी सो जॉब इन अ स्कूल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विद्स नन ऑफ दिस, तो वो करते हैं वर्विस कंपनी ऑफ एक्टर्स, ठीक है, जब ये लंदन जाते हैं। और इनको स्ट्रेट फोर्ट क्यों छोड़ना पड़ा था? क्योंकि ये लंदन इस वजह से जाते हैं फ्रेंड्स कि सर लूसी पार्क में एक हिरन चुराने के इल्ज़ाम में इनके ऊपर ब्लेम लगता है, ठीक है, कि सर लूसी पार्क में इन्होंने एक हिरन को चुराया है, इसीलिए वो स्ट्रेट फोर्ट को छोड़ देते हैं और लंदन के लिए 1587 में रवाना होते हैं, राइट, और वॉर्विस कंपनी को जो है कि ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, 61 क्वेश्चन को देखते हैं। विच प्ले वोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम? देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो रणजीत सिंह की बुक है, ठीक है, रणजीत सिंह की, तो उसका जो ये उसमें जो ये आंसर दिया है तो इसका करेक्ट आंसर ए है, अगर गूगल पे सर्च करिए तो कुछ और बता रहा है, ठीक है, तो आप इसको एक बार आप भी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए, विच प्ले वोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम, ठीक है, शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले का नाम आपको बताना है कि जिसने फर्स्ट टाइम उन्हें ऑथर बनाया था, ठीक है, तो लव लेवर्स लॉस्ट है, ट्राइटस एंड्रोनिकस है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, तो फ्रेंड्स इसमें लव लेवर्स लॉस्ट दिया है, जो रणजीत सिंह की बुक है उसमें लव लेवर्स लॉस्ट को दिया है, यानी कि राइट आंसर ए है, ठीक है। 62 क्वेश्चन को देखिए, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज, ठीक है, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज, 62 का राइट आंसर आपको बताना है, 17th सेंचुरी में शेक्सपियर ने अपने प्ले को लिखा था, ठीक है, राइट आंसर क्या है? सी, 16th एंड 17th सेंचुरी में। 63 को देखिए, व्हाट वाज अ थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद, 63 को बताइए क्या है। लंदन में जो थिएटर था, ठीक है, थिएटर था, तो ये आपको बताना है कि लंदन में शेक्सपियर किस थिएटर से जुड़े थे, ठीक है, द वर्ल्ड से, द ब्रिटेन से, द सर्कल से, द ग्लोब से, राइट आंसर डी है, द ग्लोब से, ठीक है। व्हाट वाज अ थिएटर इन लंदन, यही आपको बताना है कि दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद, लंदन में शेक्सपियर किस थिएटर से जुड़े थे, द ग्लोब थिएटर से। 64 क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाई शेक्सपियर वेयर ही मास्टर पीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड, 64 क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। फॉलोइंग थिएटर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी थिएटर कंपनी शेक्सपियर की, ठीक है, शेक्सपियर हिज मास्टर पीस को फर्स्ट परफॉर्मेंट किया था, यानी कि जो शेक्सपियर का फर्स्ट मास्टर पीसेस इन निम्नलिखित में से किस थिएटर कंपनी में पहली बार परफॉर्मड हुआ था, तो वुडन में हुआ था, ग्लोब में हुआ था, रूज में हुआ था, सार्टन में हुआ था, ये तो आपने ऊपर देखा ही था किससे संबंधित थे शेक्सपियर, ग्लोब थिएटर से, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, ग्लोब में किए थे। What was the first name of a playing company Kingsman and William Shakespeare partly owned? क्या कह रहे हैं कि what was the first name क्या है playing companies Kingsman जो playing company Kingsman है उसका पहला नाम क्या था William Shakespeare partly owned, तो इन फोर ऑप्शन में से बताइए कि उसका पहला नाम क्या था, द लंदन थिएटर, स्ट्रेट फोर्ट थिएटर, द क्यून्स ट्रूप्स ग्रुप्स होगा ग्रुप्स होगा लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, ठीक है, 65 का राइट आंसर क्या है, डी है, लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन किसका पहला नाम था,
किस कंपनी का? किंग्समैन, ठीक है, किंग्समैन कंपनी का पहला नाम क्या था? लॉर्ड चैम्बरलेन मैन था। इस बात को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 66 क्वेश्चन को देखिए, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613, 1613 में ग्लोब थिएटर में क्या हुआ था? इट लीक्ड हुआ था कि इट फेल डाउन हुआ था, इट वॉज ओपेंड हुआ था, इट बर्न डाउन हुआ था, क्या हुआ था? उसमें आग लग गई थी ग्लोब थिएटर में, राइट। 67 देखिए, हाउ इज सैम वॉन मेकर 1993 कनेक्टेड विद शेक्सपियर? सैम वॉन मेकर 1919-1993 का शेक्सपियर से क्या संबंध है? ठीक है, क्या संबंध है? ऑप्शन ए बी सी डी। ही इज द ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, राइट आंसर ए, राइट फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए है। फिर से देखेंगे, इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। सैम वॉन मेकर जो 1919-1993 में कनेक्टेड विद शेक्सपियर के जो साथ कनेक्टेड थे, तो वो क्या थे? द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ शेक्सपियर। 68 क्वेश्चन को देखिए, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू? ठीक है, लंदन से, ब्रिटेन से, यूएसए से, स्टेटफोर्ड अप अनेवन से हुए थे? डी से। राइट आंसर क्या है? डी है, सॉरी फ्रेंड। विच ऑफ दिस फ्रेसेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेवस्टोन? इसका राइट आंसर बताना है 69 का, कि शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन पर इनमें से कौन सा फ्रेज है? ठीक है, कौन सा फ्रेज है? तो ऑप्शन ए है कि मे द ग्रेट अदरेस्ट द पीस द रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट एनीथिंग कि सी ही अराइव्ड ऑन दिस अर्थ विद नथिंग व्हेन ही लेफ्ट एवरी थिंग्स टू अस। ऑप्शन डी, डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, कर्स डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बने थे? रॉबर्ट साउथी के बाद बने थे, सर वॉल्टर स्कॉट के, कोलरिज के, बेन जॉनसन के? तो किसके बाद बने थे? रॉबर्ट साउथी साहब के बाद बने थे, और शेक्सपियर के ये हटे तो ये इनका हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ, और विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करूँ वो लॉर्ड अल्फ्रेड टेंशन, ठीक है, उनको यस इनको पोएट लॉरिएट इंग्लैंड का बनाया गया। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर, ठीक है, हु क्रिटिसाइज्ड, कौन क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ को, उन्हें लॉस्ट लीडर कहा? ठीक है, लास्ट लीडर कहा? अर्नोल्ड ब्राउनिंग, सेली किट्स, राइट आंसर है बी, ब्राउनिंग साहब ने उनको क्या कहा? लास्ट लीडर, ठीक है। सेवेंटी टू क्वेश्चन को देखिए, हु रोट हिज फ्रेंड विली आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ हर्ट्स एफेक्शन एंड द ट्रूथ ऑफ द इमेजिनेशन व्हाट इमेजिनेशन साइज़ एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। हु रोट, किसने लिखा? हिज फ्रेंड विली, आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग, मैं पूरी तरह से क्या हूँ कि निश्चित नहीं हूँ, बट होलीनेस ऑफ हर्ट्स एफेक्शन एंड ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन, जो उनकी इमेजिनेशन है वो क्या है? वो ट्रूथ है। वॉज इमेजिनेशन साइज इज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ, ये आपको बताना है। 72 का राइट आंसर है जॉन किट्स, राइट, जॉन किट्स, जॉन किट्स क्या है? राइट आंसर है इसका। 73 क्वेश्चन को देखते हैं, इट वॉज
लॉकहार्ट एज ब्लैक वुड्स हु द क्वाइंट द डिफमेटरी टर्म द कॉकनी स्कूल फॉर हंट एंड हिज सर्कल विथ इंक्लूडेड बोथ हैजलिट एंड, एक तो हैजलिट है एक कौन है, राइट आंसर है जॉन किट्स है, ठीक है, सी इज का राइट आंसर है जॉन किट्स। 74 क्वेश्चन को देखिए, सेलीज एडोनिस इज अ, एडोनिस क्या है, सेली के एडोनिस क्या है, ये है पोस्टोरल एलजी, ठीक है। 75 देखिए, सेली रोड डिफेंस ऑफ पोएट्री इन रिस्पॉन्स टू, सेली रोड डिफेंस ऑफ पोएट्री इन रिस्पॉन्स टू, तो ये है डी राइट, इन राइट आंसर होगा इसका कि लव पिकॉक्स द फोर एज ऑफ पोएट्री, राइट, राइट आंसर क्या है इसका डी। 76 क्वेश्चन को देखिए, द कॉज ऑफ सेलीज डेथ वॉज, ठीक है, सेली साहब की डेथ किसके कारण हुई थी ये बताइए आप। सेली साहब की डेथ हुई थी सुसाइड से, पॉइजन से, कि ड्राउनिंग से, किससे हुई थी, तो सी ड्राउनिंग से हुई थी, ठीक है। 8 जुलाई 1822 को फ्रेंड्स सेली लिबोर्नो से लेरिस आ रहे थे, राइट, तो उस समय दोपहर का टाइम था, तो क्या बोलते हैं, तूफान बहुत तेज आया, ठीक है, तूफान बहुत तेज आया और उनकी नाव जो है डॉन जॉन में डूब गई, ठीक है, और उससे उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, ठीक है। 8 जुलाई 1822 में सेली साहब जो है कि लिबोर्नो से लेरिस आ रहे थे, ठीक है, और उस समय डॉन जॉन में थे, तो वहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आता है और तूफान आने के कारण उनकी नाव डूब जाती है और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि सेली साहब की डेथ किस किस कारण हुई है, तो किसके कारण हुई है, डूबने के कारण हुई है। हु कॉल्ड सेली अ ब्यूटी बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन वाइड हिज लुमिनियस विंग्स इन वैन, ठीक है। 77 का राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है बी, मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। 78 क्वेश्चन को देखिए, हु टर्म्ड सेली एज मेलोपोइक, ठीक है, हु टर्म्ड सेली एज यस मेलोपोइक। 78 अर्नोल्ड, बी इसका राइट आंसर है। चार्ल्स लैम्प इज क्या है, पर्सनल एसिस्टेंट है, ठीक है, चार्ल्स लैम्प इज क्या है, चार्ल्स लैम्प पर्सनल एसिस्टेंट है। 80 क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज हेलेनिज्म दैट वी फाइंड ही किड्स पोएट्री, ठीक है। 79 को बताना है कि हेलेनिज्म क्या है, ठीक है, जिसे हम किड्स की पोएट्री में पाते हैं, हेलेनिज्म क्या है जिसे हम किड्स की पोएट्री में पाते हैं, तो वो है फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर ए है, किड्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है, किड्स डिस्क्रिप्शन ग्रीक आर्ट एंड कल्चर, ग्रीक आर्ट है और क्या है, कल्चर है। 81 क्वेश्चन को देखिए, द ओट्स ऑफ किड्स आर, ठीक है, द ओट्स ऑफ किड्स आर इरेगुलर, राइट आंसर बी है। 82 को देखिए, द ईयर्स वॉज कुलमिनेटिंग पॉइंट इन किड्स कैरियर, ये आपको बताना है। 82 का राइट आंसर बताइए
क्या होगा कि द ईयर्स, ठीक है, किस ईयर्स वॉज, यस, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड सी 1819, राइट आंसर है। 83 देखिए, हु रोट द फेमस पास्टोरल एज एरोनिस ऑन द डेथ ऑफ किड्स, ठीक है, हु रोट अ फेमस, जो फेमस पास्टोरल एज एरोनिस किड्स डेथ ऑफ किड्स, किस सॉरी किड्स के डेथ पे लिखा गया था, तो वो कौन लिखा था, किसने लिखा था, बीसेली ने, राइट आंसर बी होगा, ठीक है, राइट आंसर बी है। विच ऑन द फॉलोइंग नोवेल्स इज एपिसोडिक नोवेल, 84, एपिसोडिक का मतलब होता है फ्रेंड प्रासंगिक, ठीक है, प्रासंगिक नोवेल। तो बताइए विच ऑन इनमें से, ये जो फोर ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपिसोडिक नोवेल है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ये है पिकविक पेपर्स है, ठीक है, राइट आंसर क्या है, बी है पिकविक पेपर्स। 85 क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रॉब्लम हैज बीन डील्ड विद इन डिकेंस ब्लिक हाउस, 85 देखिए, जो डिकेंस की ब्लिक हाउस है फ्रेंड्स उसमें किस समस्या का समाधान किया गया है, ये आपको बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी। व्हाट प्रॉब्लम हैज बीन डील्ड विद इन डिकेंस ब्लिक हाउस, डिकेंस की जो ब्लिक हाउस है उसमें किस समस्या का समाधान किया गया है, तो उसमें डी समस्या का समाधान किया गया है, लिज लिले, ठीक है, कानून की देरी। 86 क्वेश्चन को देखिए, विच नोवेल ऑफ डिकेंस इज कॉल्ड द मोस्ट वर्थलेस, विच नोवेल ऑफ डिकेंस इज कॉल्ड, जो डिकेंस साहब की नोवेल है, द मोस्ट वर्थलेस, वो है द चाइल्ड्स, सी इसका राइट आंसर है। विच नोवेल ऑफ डिकेंस इज कॉल्ड, डिकेंस साहब की कौन सी नोवेल्स द मोस्ट वर्थलेस कहलाती है, इन फोर ऑप्शन में से आपको बताना है, तो उसका सी राइट आंसर है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, सी, ठीक है। 87 को देखिए, Whose was थ्रू लाइट ऑन द मिस्ट्रीज ऑफ पुअर और फ्रेंच चिल्ड्रेन, इसका राइट आंसर आपको बताना है 87 का कि हुज नॉवेल्स थ्रू लाइट, ठीक है, कौन सी नॉवेल जो है कि प्रकाश डालती है मिसेज ऑफ पुअर और फ्रेंच चिल्ड्रेन, जो गरीब अनाथ जो बच्चे होते हैं, जो अनाथ और गरीब बच्चों के दुखों पर कौन सी नॉवेल प्रकाश डालती है, किसकी, यानी किसकी, ठीक है, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक बार फिर देखेंगे आप, Whose novels throw light on the miseries of poor orphan children, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि किसकी नोवेल्स, ठीक है, किसका उपन्यास गरीब अनाथ बच्चों के दुखों पर प्रकाश डालता है, इन फोर ऑप्शन में से आपको बताना है, डिकेंस के, फील्डिंग के, जेन ऑस्टन के, तो राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स ए डिकेंस, ठीक है, डिकेंस के जो नॉवेल्स हैं वो गरीब अनाथ बच्चों के दुखों पर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। 88 क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ दिज नॉवेल्स ऑफ डिकेंस सो द डिग्रेडेशंस एंड सफरिंग्स ऑफ पुअर इन इंग्लिश वर्क हाउस, 88
ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है फ्रेंड्स कि विच वन ऑफ दिस नॉवेल्स ऑफ डिकेंस शो, ये कह रहा है कि डिकेंस का कौन सा उपन्यास डिग्रेडेशंस एंड सफरिंग, ठीक है, उनके पतन और कष्टों को दर्शाता है जो पुअर इन इंग्लिश वर्क हाउस है, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट है, आवर म्यूचुअल फ्रेंड है, आवर द इम्यूचुअल फ्रेंड है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, 88 का राइट आंसर है ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट इसका राइट आंसर ए है। 89 क्वेश्चन को देखिए, इन विच पोयम डज टेनिसन कॉमरेड हिज फ्रेंड आर्थर हेलम, 89 का आपको बताना है कि टेनिसन ने अपने किस पोयम में अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम को याद किया है, किस में किया है, ठीक है। ए में प्रिंसेस में किया है, इनोर अर्डन में किया है, इन मेमोरियम में किया है, यूलेसिस में किया है, तो किस में किया है, इन मेमोरियम में। देखिए इसके जो 4-5 क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो घुमा फिरा करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को मैंने लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये टेनिसन साहब के क्वेश्चन है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है 89 क्या कह रहा है कि इन विच पोएम डज टेनिसन कॉमनवेट हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम, ये क्या कह रहा है कि टेनिसन ने अपने किस पोएम में अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम को याद किया है, तो किस में याद किया है, इन मेमोरियम में याद किया है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका तो सी हो गया। अब नेक्स्ट को देखते हैं कि टेनिसन पोयम इन मेमोरियम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ, ठीक है, इसका ये क्या पूछ रहा है कि टेनिसन साहब के जो पोयम है इन मेमोरियम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ, ठीक है, किसकी याद में लिखे हैं, तो एच हेलम, यानी किसके याद में लिखे हैं, अपने फ्रेंड की, ठीक है। राइट आंसर इसका ए है। 91 क्वेश्चन को देखें, टेनिसन फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम यस डाइड एट, ठीक है, टेनिसन साहब के जो फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम वो मरे थे, कहाँ पे मरे थे, बियनाम, रोम, पेरिस, लंदन, कहाँ पे मरे थे, बियनाम मरे थे, जो क्या है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, वहाँ की क्या है, ये राजधानी है बियना में, कौन मरा था, टेनिसन साहब के फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, ए है। 92 क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी इयर्स डिड टेनिसन टेक इन कंप्लीटिंग इन मेमोरियम, ठीक है। 92 क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी इयर्स डिड टेनिसन टेक कंप्लीटिंग इन मेमोरियम को, टेनिसन साहब कितने इयर्स में उसको कंप्लीट किए थे, 17 इयर्स में किए थे, ठीक है। राइट आंसर क्या है, सी 17 इयर्स। 93 क्वेश्चन को देखिए, हु राइट इन हर डायरी, ठीक है, डैट सी वॉज मच सूथिंग प्लेजेंट बाय रीडिंग इन मेमोरियम ए एच एच, ठीक है, ये कह रहे हैं कि उनकी डायरी में कौन लिखता है, हु राइट इन हर डायरी, उनकी डायरी में कौन लिखता है कि सी वॉज मच सूथड प्लीज्ड, ठीक है, कि बहुत सुकून मिलता है बाय रीडिंग इन मेमोरियम ए एच की मेमोरियम को पढ़ के बहुत सुकून मिलता है उनकी डायरी में, ये कौन लिखता है, ऑप्शन ए बी सी, क्यों विक्टोरिया है कि टेनिसन मदर है कि टेनिसन वाइफ है कि एलिजाबेथन वेरन ब्राउनिंग है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, क्यून विक्टोरिया, राइट आंसर ए है, क्यून विक्टोरिया राइट आंसर है, राइट फ्रेंड्स। ऐसे फ्रेंड्स कल हम ऐसे ही पीजीटी की प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आगे के जो राइटर्स हैं उसकी मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी, राइट फ्रेंड्स। तो
वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।